नहीं है जो यहाँ पर हरकत हुई है उसके बाद केवल और केवल हम डीसी महोदय से और एसपी महोदय से ये जवाब जानना चाह रहे हैं कि कुछ अधिकारी वो अंदर कैसे पहुंचे और कुछ ऐसे व्यक्ति जो अनआइडेंटिफाइड है वो अंदर कैसे पहुंचे, केवल इस बात का हमें जवाब चाहिए। जब तक जवाब नहीं मिलेगा हम सब साथियों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रोड पे धरना देंगे। मैडम बीजेपी के उम्मीदवार बीजेपी का कोई उम्मीदवार यहाँ दिखता, ना उनका कोई एजेंट दिख रहा है, इसके पीछे क्या देख रहे हैं आप लोग? देखिए तो आप बताएं, आप लोग बताएं, एग्जिट पोल बता रहा है 75 पर 80 पर, और क्या सेटिंग है? सेटिंग चल रही है और मशीनों में तो कुछ हुआ नहीं। मैडम तो आप लोग बताएं, खुल के ये बोला गया है कि चाहे कुछ भी हो जीतेंगे। देखिए मेरा मेरा केवल यही रिक्वेस्ट है कि एज पर मेरा केवल रिक्वेस्ट यही है, एज पर द इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन के हिसाब से CISF होनी चाहिए, BSF होनी चाहिए, हरियाणा की टुकड़ी नहीं होनी चाहिए थी। वो अंदर क्यों है? तीन तीन तरह की सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, यहाँ पर किसी की भी एंट्री नहीं होनी चाहिए थी। जब हमारे कैंडिडेट्स के जो हमारे साथ लोग हैं उनको तो बाहर बिल्डिंग से बहुत बाहर तक आप बैठने नहीं दे रहे हैं, तो पुलिस के कर्मचारियों को आप रुकने के लिए